चीन अब जरूरत से ज्यादा अपनी औकात भूल रहा है। चीन अब सीमा लांग रहा है। चीन हर हद को पार करते हुए भारत की सीमा पर बुरी नजर डाल रहा है। भारत के अरुणाचल पर चीन की बुरी नजर पड़ी है और यकीनन इसे अब और भारत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यकीन ना हो तो भारत के पिछले बयानों को आप देख सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि चीन से अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई बात नहीं करनी है। ये सच है और ये यकीनन सच है कि अरुणाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं। उसे बार बार भारत को लेकर विवाद छेड़ने की आदत लग गई है। इसी आदत से उसने दुनिया में अपना नाम खराब करके रखा है और अब बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश पर वो किस तरह से बेतुकी बातें कर रहा है उसका एक और उदाहरण सबके सामने आ गया। चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से उसका ही क्षेत्र था और वो भी तब जब पूरी दुनिया चीन के इस दावे को मानने से इनकार कर रही है। हाल ही में अमेरिका ने भी कहा था कि वो मानता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। भारत ने भी यही कहा। भारत ने बीजिंग के इस दावे को बेतुका और हास्यास्पद बताकर पहले ही खारिज कर दिया, बल्कि हर बार खारिज करता है। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने फिर एक बार इस बात को छेड़कर विवाद शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। लिन जियान ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में जांगनान हमेशा से ही चीन का क्षेत्र रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत के अवैध कब्जे तक चीन ने हमेशा क्षेत्र पर प्रभावी प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि ये एक बुनियादी सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लिन ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का कभी निपटारा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन भारत सीमा का कभी सीमांकन नहीं किया गया और इसे पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और सिक्किम खंड में विभाजित किया गया। लिन ने कहा कि भारत ने 1987 में अवैध कब्जे वाले चीन के इलाके पर तथा कथित अरुणाचल प्रदेश का गठन किया। चीन ने तभी एक बयान जारी कर इसका कड़ा विरोध किया था और जोर देकर कहा था कि भारत का कदम अवैध और अमान्य है। चीन का रुख आज भी यही है। अब चीन ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भारत इस बयान को सुनने के बाद शांत नहीं बैठने वाला है। भारत इस पर प्रतिक्रिया जरूर देगा और वो प्रतिक्रिया सीधे चीन को चुभने वाली है, क्योंकि भारत ये बात किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा नहीं है। ये सच है और हमेशा से एक बहुत बड़ा सच बनकर रहा है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा है और चीन इस पर अवैध रूप से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।